एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अज्ञात महिला का तैरता हुआ शव मिला, रास्ते पर खड़ी कार चोर ले उड़े। 2925 सैंपल की जांच में 6 पॉजिटिव। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुंबई वसे विरार स्थित निर्माणधीन जेटी के समीप अरब सागर में एक अज्ञात महिला का तैरता हुआ शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शिनाख्त की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। यह जानकारी रविवार को पुलिस ने दी है। अरनल सागरी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार की शाम को स्थानीय लोगों ने मेहराम बल पाड़ा जेटी के पास पूरी तरह से सड़ चुके एक शव को देखा, जिसके गले में पत्थर बांधा हुआ था। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला की उम्र अंदाजन 30 से 35 वर्ष है। संभवतः महिला की हत्या 3-4 दिन पहले की गई होगी और उसका शव पानी में फेंक दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी खबर, थाने में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोग परेशान हो गए हैं। कलवा परिसर में रास्ते के बगल खड़ी कार रात में चोरी होने की घटना सामने आई है, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कलवा परिसर में खरे गांव स्थित सहयोग सोसाइटी में रहने वाले व्यवसायी सचिन घाड़ी ने अपनी कार गणेश विद्यालय के सामने सड़क के बगल खड़ी की थी, जो रात के समय चोरी हो गई। तीसरी खबर, रविवार को 2925 सैंपल की जांच में 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव में सभी शहर के हैं। अब तक मिले कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,93,602 हो चुकी है। रविवार को कुल 8 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इनमें 5 मरीज शहर के और 3 मरीज ग्रामीण के हैं। अब तक कुल 4,83,436 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 हो चुकी है। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।